अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। हजूर की आमद मरहबा, पुरनूर की आमद मरहबा। उम्मीद है आप सब भी इस महफिल को बहुत इंजॉय करेंगे, इस वीडियो के जरिए आप इंजॉय करेंगे। हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया। आपके साथ वीडियो के कुछ क्लिप्स शेयर करते हैं और एक न्यूज़ ये कि मेरी मदर भी उमरे के लिए जा रही हैं इसी महीने में 12 रबीउल के बाद। मेरी इल्तिजा सल्ले
Bye.
महफिल मिलाद के बाद नात पढ़ने के बाद हम लोगों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में उनके लिए केक कटिंग की थी एज अ सेलिब्रेशन ईद मुबारक। तो हम लोगों ने कोई गुंबद वगैरह नहीं बनाया था ना ताकि कोई बेअदबी ना हो, और लास्ट में फिर बच्चों को ना मूड था कि हम उनको पहाड़ियाँ दिखाएं, तो पहाड़ियाँ दिखाने के लिए लेके थे। थोड़ी सी क्लिप्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं। बेसिकली मैं तो इन चीज़ों को लाइक नहीं करती हूँ और बाहर जाना भी इस तरह पसंद नहीं करती, लेकिन फिर भी घर में जो हमें मेरे पास अवेलेबल थी जो लेके आए थे ये लोग पिक्स, मैंने कहा आपके साथ भी शेयर कर लेते हैं। बहुत कुछ खास पहाड़ियाँ नहीं थी ना मुझे कुछ अच्छी लगी थी। वैसे बहुत अच्छी अच्छी पहाड़ियों के डिज़ाइन लगे थे लेकिन मेरे पास जो इस वक्त अवेलेबल थी वो ये ऐसी ही थी।
तो आपके साथ गुड न्यूज़ ये शेयर करनी थी कि अल्लाह ताला के करम से मदर का भी वीज़ा लग गया, वो भी इंशाल्लाह ताला नबी का घर देखेंगी। उन मिलाद की महफिल में जो उनकी जो शिद्दत नज़र आ रही थी ना, अल्लाह पाक को वो उनकी शिद्दत उनकी दुआ पसंद आ गई, कबूल होगी। अब इंशाल्लाह उनकी हाज़िरी नबी के दर पर जल्दी ही होगी और वो उमड़े के लिए रवाना होंगी। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला हम सबको भी इस काबिल बनाए, हमारी दुआओं पे नज़रे करम करे, हम पे नज़रे करम करे, हमारी दुआओं को सुने, हमें इसी ज़िंदगी में अपना घर दिखा दे। व्लॉग को पसंद कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।